हेलो स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं कि क्लास 9 की जो कंस्ट्रक्शन है 11.2 एक्सरसाइज, उसका जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में। अब ये क्वेश्चन दो तरीके से आ जाता है। एक ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करना है, कई बार वो कहेगा कि एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, इन तीनों साइड का सम हमें दे रखा है। कई बार वो कन्फ्यूज़ करने के लिए सिंपल कह देता है कि इफ़ द पैरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 11 सेंटीमीटर, तो पैरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल का मतलब भी यही है कि तीनों साइड का सम 11 दे रखा है। अब दो एंगल गिवन है हमें पहले से ही, तो अब देखो स्टार्ट करते हैं। कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल एक्स वाई जेड इन विच एंगल वाई दे रखा है 30 डिग्री, एंगल जेड दे रखा है 90 डिग्री। हमें एक ऐसा ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है जिसके तीनों साइड का सम कितना है 11 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आप क्या करोगे सॉल्यूशन में, एक ए बी लाइन ड्रॉ करोगे, कितना 11 सेंटीमीटर। जितना भी पेरीमीटर दे रखा है, जितना भी तीनों साइड का सम दे रखा है, उसको एक स्ट्रेट लाइन में उतना ही आप ड्रॉ कर लोगे। एक्स वाई जेड ट्रायंगल बनाना है तो कोई और पॉइंट लेना, मैंने जैसे ए बी ले लिया। इसके बाद एक है ना, हमारी डिग्री मेजरमेंट थ्योरम वाली प्रॉपर्टी लगती है ये थ्योरम्स। आप जो डिग्री मेजरमेंट थ्योरम पढ़ोगे, ये चैप्टर 10 में दे रखी है। तो उसमें देखो क्या करना है, एंगल ए, सबसे पहले एंगल ए निकालना है। तो देखो ए की साइड वाई की, तो जो एंगल ए होगा ये होगा वाई का हाफ, तो ये कितना हो जाएगा 30/2, दैट इज़ 15 डिग्री। तो इसका मतलब ए पे, इस ए पॉइंट पे हमें एंगल बनाना है 15 डिग्री। उसके बाद एंगल बी, बी एंगल होगा जेड का हाफ, तो एंगल जेड का हाफ, तो 90/2 डिवाइड करोगे तो 45 आ गया। तो एंगल बी कितना आ जाएगा हमारा 45। तो सबसे पहले आपने ये दोनों एंगल कंस्ट्रक्ट कर लेने हैं इस लाइन पे, ए बी पे। तो ए पे कंपास कितना भी खोल के, एक आर्क, पहली आर्क 60 और इसके बीच में कितना 30, जो एंगल चाहिए वो डार्क में होना चाहिए, तो ये 30 एंगल। तो 0 और 30 के बीच में एंगल हमारा होगा 15 डिग्री, तो ये आ गया। तो ये 15 डिग्री का एंगल आ गया। जो एंगल हमें चाहिए होता है सिर्फ वो डार्क में होना चाहिए, बाकी सब डॉटेड में होते हैं बेटा। तरीका ये होता है एंगल बनाने का। ऐसे ही बी में, बी पॉइंट पे, बी पॉइंट पे कितना एंगल बनाना है 45। तो सबसे पहले 45 से पहले आप 45 डायरेक्ट तो बनेगा नहीं, सेमी सर्कल 69, पहले 90 का बना लिया। 90 और 0 के बीच में जो एंगल बना ये बना 45 डिग्री। अब ए पे बना लिया 15 डिग्री, बी पे बना लिया 45 डिग्री, एक वाई एंगल है, एक जेड एंगल है, तो इसका मतलब तीसरा क्या बचा पॉइंट, एक्स। तो ये हमारा पॉइंट आ गया एक्स, क्योंकि अब हमें इस ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस भी तो नहीं पता, तो पहला वर्टिसेस आ गया हमारा एक्स। इसके बाद आपने क्या करना है, ए एक्स, मैं लिख देता हूँ ए एक्स, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर लो। तो किसी भी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे तो उन दोनों पॉइंटों पे आप कंपास रखोगे, एक बार ए पे और एक बार एक्स पे। ए पे कंपास आधे से ज़्यादा खोल के एक आर्क, नीचे एक आर्क, ऐसे एक्स पे एक आर्क, ये दूसरी आर्क, तो यहाँ से कट कर दिया, ठीक है। इस लाइन को जहाँ भी कट करेगा ये पॉइंट आ गया वाई, ये पॉइंट आ गया हमारा वाई। ऐसे ही हमें करना है बी एक्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बी एक्स का करोगे, एक बार तो बी पे रखना, एक बार एक्स पे रखना। तो बी पे रखोगे आधे से ज़्यादा खोल के कंपास, यहाँ एक, यहाँ एक आर्क, एक्स पे भी पहली वाली आर्क को कट करे, ये आ गया, इनको ज्वाइन कर दिया, ठीक है बेटा। अब ये पॉइंट आ गया हमारा जेड। अब
इस x को z से भी मिला दो, इस x को y से भी ज्वाइन कर दो, तो जो हमें ट्रायंगल चाहिए था ये आ गया। इसमें क्या करना आपने, एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, तीनों साइड को निकालना, तीनों का सम करोगे तो 11 आना चाहिए, 11.1 या 10.9 चल जाएगा, इससे ज़्यादा गड़बड़ है तो फिर तो आपको फिर दोबारा कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। तो देखो बेटा, इस क्वेश्चन को मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करनी, 11 सेंटीमीटर जितना पेरीमीटर दे रखा है, ए पे एंगल इस वाले का हाफ, बी पे एंगल इस वाले का हाफ, तो इसका हाफ 15 डिग्री और इसका हाफ 45, तो ए और बी पे एंगल बना लिए, यहाँ पे 15 डिग्री, यहाँ 45। अब जहाँ भी ये एंगल वाली लाइन एक दूसरे कट करेगी वो पॉइंट आ जाएगा हमारा एक्स। एक बार हमें ए एक्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है, एक बार हमें बी एक्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है, और इस लाइन को, ए बी लाइन को जहाँ भी ये कट करेगी, ये पॉइंट, एक पॉइंट आ गया वाई, एक आ जाएगा जेड, इस एक्स को वाई से भी ज्वाइन कर देना, एक्स को जेड से भी ज्वाइन कर देना, तो ये हमारा क्या हो गया, एक कंस्ट्रक्ट हो गया, एक ट्रायंगल एक्स वाई जेड, और इन तीनों साइड का सम हमारा कितना होगा, 11 सेंटीमीटर। ओके बेटा, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।